शीतल की सास बहुत ही कंजूस औरत थी, वो उस पे बहुत रोक टोक करती थी। हे भगवान, मेरी सास इतनी कंजूस क्यों है? कमाते तो मेरे पति हैं, फिर इन्हें क्यों इतनी टेंशन होती है? अरे बहू, क्या कर रही है इतनी देर तक किचन में? फालतू में किचन की लाइट जला रखी है, पता भी है कितना बिल आया था पिछली बार। ओफो, माँ जी आपको इतनी टेंशन क्यों होती है बिजली बचाने की? आपके पिताजी आकर बिजली का बिल नहीं भरते, जो इतनी टेंशन लेती हो बिल की। क्या कहा तूने? तेरी जुबान बड़ी कैची की तरह चलने लगी है। अरे हाँ, कैची से याद आया, दर्जी को जो कपड़े सिलने के लिए दिए थे वो तो लेना ही भूल गई। क्या कहा तूने? दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए, खुद क्यों नहीं सिल लिए? अरे माँ जी, वो बहुत कीमती साड़ी थी, ऐसे कैसे खुद से सिल लेती? अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो सारा डिजाइन खराब हो जाता। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस औरत का, बस पूरे दिन मेरे बेटे की कमाई उड़ाने में लगी रहती है। एक दिन दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी शीतल बोली, ओफो, मेरी सैंडल टूट गई है, अब मैं इसे कैसे पहनूं? अरे बहू, कुछ नहीं हुआ तेरी सैंडल को, बस एक तार ही तो निकला है, ला मैं कील ठोक कर जोड़ देती हूँ। बस करो माँ जी, चुपचाप आज एक सैंडल दिला देना, वरना घर के सारे काम करना छोड़ दूंगी। अरे बहू, तू गुस्सा मत हो, चल बाजार चल, तेरे लिए नई सैंडल खरीद लेंगे। अरे भाई साहब, मेरी बहू के साइज का कोई सैंडल दिखाओ। भैया थोड़ी अच्छी वाली, पेंसिल हील वाली दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये सैंडल बिल्कुल जबरदस्त है, अरे बहुत लेटेस्ट फैशन है इसका। कितने की है ये सैंडल? ज्यादा नहीं माँ जी, बस 500 रुपए की है। क्या कहा, 500 रुपए? इस पतली लकड़ी वाली सैंडल के 500 बहुत ज्यादा है, कुछ कम में दिखाइए। माँ जी बस कीजिए, यहाँ भी अपनी कंजूसी मत दिखाइए। तू चुप बैठ, एक तो सैंडल दिलवा रही हो, ऊपर से इस लकड़ी वाले सैंडल के 500 दे रही है। भाई साहब, 100-200 वाली सैंडल दिखाइए जरा। हाँ, ये बहुत सुंदर है ना बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल आपकी शक्ल जैसा है। अगले दिन शीतल की सहेलियाँ उसके घर आती हैं। हेलो शीतल, हम आ गए। अरे आओ आओ। अरे बहू, तू पागल है क्या? बेफालतू में सारी लाइट्स क्यों जला दी? एक लाइट में भी सबकी शक्ल दिखी रही थी ना तुझे? अरे माँ जी, घर में मेहमान आए हैं, ज्यादा तमाशा मत कीजिए, चुपचाप लाइट जलाने दीजिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। शीतल अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। अरे ये क्या, घर में आज पनीर बन रहा है, ये बहू लगता है पूरी तरह बेच कर रहेगी मेरे बेटे को। अरे हाँ, इस पनीर में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल देती हूँ, जिससे इसकी दोस्तों की भूखी मिट जाएगी और बाकी का बचा हुआ पनीर हम 2 दिन तक रख कर खाएंगे। अरे वाह सुमित्रा, तू तो बहुत ही होशियार हो गई है, सास भी कभी बहू सीरियल देख के। फ्रेंड्स रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। शीतल किचन में जाती है और खाना ले आती है। वाओ यार, तूने पनीर बनाया है, मुझे तेरे हाथ का पनीर बहुत पसंद है। सारी सहेलियाँ उसकी खाना खाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। मिर्ची। शीतल, ये कैसा मजाक किया है तूने हमारे साथ? अगर तुझे हमें बुलाने का मन ही नहीं था तो क्यों बुलाया हमें? क्या हुआ बहू, तेरे दोस्त इतने गुस्से में क्यों चले गए? और ये क्या, खाना भी नहीं खाया उन्होंने, इतना खाना वेस्ट कर दिया उन्होंने। शीतल समझ जाती है कि भाई ये सब उसकी सास ने किया है। अब इस बुढ़िया को तो सबक सिखाना जरूरी हो गया है। आज तो मेरा मनपसंद सीरियल सास भी कभी बहू थी का महा एपिसोड आएगा। अरे वाह, आज तो मजा आएगा, जल्दी से अपने सारे काम कर लेती हूँ, फिर अपना सीरियल देखूंगी। अरे बहू, जरा मेरा मसाज करने वाला तेल लेकर आ और मालिश कर दे मेरी। लेकिन माँ जी, वो तेल तो खत्म हो गया।
ऐसे कैसे तेल खत्म हो गया? मैंने तो उसे ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। माँ जी, घर में तेल खत्म हो गया था तो मैंने उसी तेल से खाना बना लिया। वैसे भी आप उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। सत्यानाश, ये तूने क्या किया पगलेट? सारा खाना और तेल बर्बाद कर दिया। अरे माँ जी, बर्बाद कहाँ, बचत की है बचत। आप ही तो बोलती हो कि बचत करो। इसके बाद सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, ये बाथरूम में नहाने वाले साबुन की जगह कपड़े धोने वाला साबुन क्यों रखा है? माँ जी, आपको पता भी है कि नहाने वाले साबुन का दाम कितना बढ़ गया है, इसलिए अब हम यही साबुन से नहाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी बचत करने लगेगी। हाँ माँ जी, आखिर बहू किसकी हूँ। हे भगवान, इस साबुन से नहाकर तो मेरा शरीर पूरा लाल हो गया। चलो थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठती हूँ, फिर सीरियल देखूंगी। इसके बाद लाइट चली जाती है। अरे बहू, ये लाइट क्यों चली गई अब? माँ जी, लाइट तो जाएगी ही ना। इस बार बिजली 8 रुपए पर यूनिट से 9 रुपए पर यूनिट हो गई है, तो मैंने बिजली वाले भैया से लड़ाई कर ली और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अब मैं अपना सीरियल कैसे देखूंगी? अरे माँ जी, बचत करना ज्यादा जरूरी है यह सीरियल देखना। हे भगवान, माफ कर दे बहू, अब तेरे सामने पैसे बचाने की बात अब कभी नहीं करूंगी। अब प्लीज जल्दी से बिजली का बिल भर दे अपने फोन से, आधे घंटे में मेरा सीरियल आएगा। अब आई ना लाइन पे। उस दिन के बाद से सुमित्रा अपनी कंजूसियत अपनी बहू के आगे कभी भूल कर भी नहीं दिखाती। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बहू, मेरा सलाद बना कि नहीं? बना रही हूँ माँ जी, टमाटर काट रही हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? माँ जी, टमाटर काटते हुए मेरी उंगली कट गई। हे भगवान, अब टेटनस के इंजेक्शन का खर्चा भी बढ़ा दिया तूने। मेरे बेटे को रोड पे ला देगी तू। ओफो माँ जी, मैंने पिछले महीने ही टेटनस का इंजेक्शन लिया था, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। ओ फिर ठीक है, रुक मैं अभी बगल वाली शर्मा आंटी से बैंडेज लेकर आती हूँ। वो नहीं देंगी माँ जी, आज मैं उनके घर गई थी चीनी मांगने, उन्होंने बोला कि परसों वो आपसे डिटॉल मांगने आई थी, उनकी बेटी के हाथ में चोट लगी थी पर आपने नहीं दिया। अरे डिटॉल है ही नहीं घर में, मैंने उसको बोला तो था। माँ जी, एक हफ्ते पहले ही मैं शर्मा आंटी के साथ मार्केट से आ रही थी, तब मैंने उनके सामने डिटॉल खरीदा था, आप ही ने तो अपनी अलमारी में रखा हुआ है। अब शर्मा आंटी हमें कभी कुछ नहीं देंगी। कैसी कंजूस औरत है, चल छोड़, मैं अपनी अलमारी से ही बैंडेज निकाल के लाती हूँ। हे भगवान, जब इनके पास बैंडेज है तो शर्मा आंटी से मांगने क्यों जा रही थी? अरे शीतल दीदी, आ गया मैं, कहाँ हो आप? अरे आर्यन, आ गया तू, कितने दिनों बाद मेरे घर आया है। और बता, घर पे सब कैसे हैं? अरे क्या बताऊं दीदी, कुछ दिन पहले बड़े भैया के बेटे ने मुँह में 10 रुपए का सिक्का निकल लिया था, उसके गले में फंस गया था सिक्का, उसकी माँ कितना रो रही थी। रोएगी नहीं तो क्या करेगी बेचारी। हाँ आंटी जी, वही तो। मेरे तो 5 रुपए भी खो जाते तो इतना रोना आता है, यहाँ तो 10 रुपए का सिक्के का सवाल था। अरे दीदी, जरा और चावल देना। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। और बेटा, सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी, हम लोग ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? बेटा तुम तो अपने हो, तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में पैसों की बहुत कमी है बेटा। मेरा बेटा भरपेट खाना इसलिए नहीं खा पाता कि थोड़ा खाना अगले दिन के लिए बचा लूं। मैं तो बेटा दिन में बस एक ही बार खाती हूँ। तुम्हारी बहन को कितना बोलती हूँ थोड़ी बचत करो, वो समझती ही नहीं है। तुम अपने हो तो तुम्हें बता रही हूँ ये सब, लेकिन तुम भरपेट खाना बेटा, तुम शर्माना मत, ये तुम्हारा ही घर है। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। ये ले आर्यन चावल। अरे नहीं दीदी, पता नहीं क्यों अब भूख नहीं लग रही मुझे, थोड़ी जल्दी भी है, अब चलता हूँ मैं,
ये चावल तू वापस रख दे। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, और मैं तेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी में गिफ्ट नहीं ला पाया, तेरे लिए, आंटी जी के लिए, जीजा जी के लिए, तू खरीद लेना ठीक है? अरे ये पैसे नहीं चाहिए मुझे। प्लीज दीदी मना मत कर। अरे बेटा जा रहे हो, रुको जरा जाते हुए तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। ये लो तुम ये थोड़े पैसे ले लो, मेरा आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं आंटी नहीं। वाह माँ जी, आप और पैसे, कितने पैसे दोगी आप? ये लो बेटा 5 रुपए, रास्ते में जाते हुए बिस्कुट खरीद के खा लेना। अरे बेटा नीचे क्यों गिर गए, उठो और जाओ जल्दी, तुम्हें लेट हो रहा है, और फिर से जरूर आना कभी खाने पे। क्या माँ जी, आपने मेरे भाई के सामने भी अपनी कंजूसियत नहीं छोड़ी। अरे ये सब छोड़, और आज तूने कहा था मेरे चश्मे का फ्रेम लगवा के आएगी, जा जल्दी लगवा के आ। दिखाना जरा चश्मा। ओहो इसका तो फ्रेम टूट गया है। कोई बात नहीं माँ जी, एक ही तरफ का तो टूटा है, रुको मैं इसमें अभी धागा बांध देती हूँ, फिर आप इसको पहन सकती हो आराम से। अरे ये क्या बोल रही है तू, ऐसे तो ये बहुत अजीब लगेगा, एक साइड फ्रेम और एक साइड रस्सी। लाइए माँ जी, दूसरे साइड का भी फ्रेम तोड़ के रस्सी बांध देती हूँ। नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, तू रहने दे। अच्छा तू एक काम कर, तू बाजार से जरा साबुन ले आ मेरे लिए नहाने का, और हाँ दुकान वाले को बोलियो कि ऐसा साबुन दे जो कम घिसे और उससे चेहरे पर लगाने पर लाली आए। वो देखिए माँ जी, वो ईट रखी है ना सामने, वो रगड़ लीजिए गाल पर, लाली भी आएगी और घिसेगा भी नहीं। मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। वैसे इसका आइडिया बुरा नहीं है, ईट लगा के देखूंगी एक बार, पहले भूख लगी है थोड़ी मिठाई खा लेती हूँ। अरे ये काकरोच कहाँ से आ गया, क्या करूँ अब? बहू को बताऊंगी तो वो फेंक देगी अब मिठाई। साइड वाली मिठाई खा लेती हूँ, वहाँ काकरोच नहीं गया होगा। हे राम, ये उल्टी जैसा मन क्यों हो रहा है मेरा। बहू ओ बहू। अरे माँ जी क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ खराब है। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे आपको डायरिया हो गया है क्या? आप किसी गंदगी वाली चीज के पास गई थी या आपने कुछ ऐसा खाया था? हाँ वो आज एक मिठाई के डिब्बे में काकरोच था, मैंने काकरोच हटा के एक साइड की मिठाई खा ली थी, वरना मेरी बहुत सारी मिठाई फेंक देती। हे भगवान, आपकी इस कंजूसी की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, अब आपके इलाज में पैसे खर्च होंगे, लेने के देने हो गए तो सब आपकी गलती है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मैं अपनी आदत सुधार लूंगी। चलिए ये दवाई मैंने लिख दी है, 300 रुपए की दवाइयाँ हैं, जाके खरीद लीजिए जल्दी से। बहू वैसे अब मुझे उल्टी जैसा मन नहीं कर रहा, एक दो दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा कि कुछ होता है कि नहीं, फिर दवाई खरीद लेंगे, वरना 300 रुपए फालतू में खर्च हो जाएंगे। हे भगवान, इस जैसी कंजूस औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे शीतल जी कौन है ये? डॉक्टर ये मेरी कंजूस सास है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बहू कहाँ मर गई? जी माँ जी आई। अरे चाय बनाने गई थी या चाय पत्ती उगाने? गई तो चाय बनाने थी माँ जी, पर किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, चाय के कप भी नहीं धुले थे, तो बस वही धोने लगी। सास चाय के कप की तरफ देखती है। ये कप कहीं से धुला नहीं लग रहा, कितना चिपचिपा लग रहा है, आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। हे भगवान, चाय में चीनी भी नहीं डाली है। लेकिन माँ जी मैंने तो चीनी डाली थी, वो भी 2 चम्मच। अच्छा डाली थी क्या, लेकिन ठीक से नहीं डाली, और कितना कम दूध डाला है कंजूस कहीं की, आगे से नहीं होगा माँ जी। बहू किचन की तरफ जा रही होती है तो देखती है सास बहुत मजे से चाय पी रही होती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू खाना नहीं बना क्या अभी तक? लेकिन माँ जी आप तो लेट खाना खाती हो ना। अच्छा तो अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी लगा देती हूँ खाना।
बहू इसके बाद किचन में जाती है और कढ़ी चावल बना के लाती है। आज तो माँ जी मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, कढ़ी चावल। सास खाना खाती है, खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी तारीफ कैसे करूं? खाना तो मेरा मनपसंद है, लेकिन तूने नमक ठीक से नहीं डाला, आगे से ध्यान रखना। इस बुढ़िया को तो जितना करके दूं कम है, कभी तारीफ नहीं कर सकती किसी चीज की। चल अब जा, घर साफ कर दे। हाँ माँ जी, झाड़ू लगा दी है, बस पोछा बाकी है। क्या, झाड़ू लग गया? लगता तो नहीं है देखकर। आपको देखना आता हो तब ना। क्या बोली तू? कुछ नहीं माँ जी, जाती हूँ पोछा लगाने। बहू पोछा लगाती है? अरे पोछा लगाते टाइम फिनाइल नहीं डालती क्या? घर तो चमक ही नहीं रहा। डाला तो है माँ जी। मुझसे जबान लड़ाएगी? ठीक से साफ कर। संध्या अपनी सहेली शिल्पा को कॉल करती है। यार शिल्पा, तुझे पता है मेरी सास मुझको नौकरों की तरह काम करवाती है, लेकिन इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं जो काम करती हूँ वो हर काम में कमियाँ निकालती है यार। अरे संध्या, सच में तेरी बुढ़िया तो बहुत बदतमीज है। अरे बुढ़िया कहाँ है, वो पूरे दिन सजी धजी तो ऐसे रहती है जैसे कोई हूर की परी हो। इस बुढ़िया का तो कुछ करना पड़ेगा, तू एक काम कर। अगले दिन। अरे माँ जी, मुझे कपड़े धोने का साबुन नहीं मिल रहा, जरा बताइए कहाँ रखा है। अरे करम जली, देख वही कहीं होगा। एक तो इस बुढ़िया के कपड़े धो रही हूँ, ऊपर से करम जली बोलती है। रुक बुढ़िया, अब तुझे सबक सिखाती हूँ। संध्या अपने और अपने पति के कपड़े कपड़े धोने के साबुन से धोती है और सास के कपड़े नहाने के साबुन से। बहू, मेरे कपड़े ऐसे सफेद क्यों हो गए हैं? माँ जी, मुझे कपड़े धोने का साबुन नहीं मिला तो मैंने नहाने के साबुन से धो दिए। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। बहू, तूने आज भी कड़ी चावल ही बनाया है ना? कल अच्छे से नहीं बना था वो। हाँ माँ जी, आज तो आप उंगलियां चाट कर खाएंगी। बहू किचन में सास के खाने में ज्यादा नमक डाल देती है और अपने खाने में ठीक रखती है। अरे कितना नमक डाल दिया तूने कड़ी में। माँ जी, ज्यादा नहीं डाला, बस कल जितना डाला था उसे थोड़ा ज्यादा डाला है। देखिए मैं भी तो खा रही हूँ। सास ना चाहते हुए भी जैसे तैसे खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद बहू टीवी देखने जाती है। महारानी, टीवी बाद में देखने जाइयो, पहले पोछा लगा ले ठीक से। हाँ माँ जी बिल्कुल, पूरे घर में फिनाइल डालकर पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, कल आपने ही तो बोला था ना कि मैं फिनाइल डालने में कंजूसी करती हूँ, तो आज मैंने पूरे घर को फिनाइल से ही साफ कर दिया। अब घर कितने अच्छे से चमक रहा है ना। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस पागल लड़की का, आपने ही तो पागल बनाया है। क्या बोली? कुछ नहीं माँ जी, चाय बनाकर लाऊं? हाँ जाकर चाय बनाकर ला, थोड़ी तो सरदर्दी कम होगी मेरी। बहू चाय में ज्यादा चीनी डाल देती है और कप को बिना धोए उसमें चाय ले आती है। बहू, ये कप इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है? ओफो माँ जी, आपका तो ये रोज रोज का नाटक हो गया है, कप चिपका क्यों है? अब जैसा भी है आदत डाल लीजिए। बहू, चाय में चीनी ज्यादा है। अरे माँ जी, रोज रोज आप एक ही बात बोलती हो, ज्यादा ड्रामा मत कीजिए सासू माँ, और चुपचाप पी लीजिए, वरना कल से ये भी नहीं मिलेगी। सास को समझ आ जाता है कि वो हर काम में बहू की कमियां निकालती थी, इसीलिए उसमें ये बदलाव आया। माफ कर दे बहू, अब मैं तेरी किसी भी काम में गलतियां नहीं निकालूंगी, तू सब अपने हिसाब से ही करना। नहीं माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आज तो सब काम मैंने आपके हिसाब से किया है, अब रोज मैं ऐसे ही काम करूंगी और कभी आपको निराश नहीं करूंगी। अरे नहीं बहू, प्लीज माफ कर दे मुझे, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बहू, मेरा सलाद बना कि नहीं? बना रही हूँ माँ जी, टमाटर काट रही हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? माँ जी, टमाटर काटते हुए मेरी उंगली कट गई। हे भगवान, अब टेटनस के इंजेक्शन का खर्चा भी बढ़ा दिया तूने, मेरे बेटे को रोड पे ला देगी तू। ओफो माँ जी, मैंने पिछले महीने ही टेटनस का इंजेक्शन लिया था,
इसलिए अभी जरूरत नहीं है। ओ फिर ठीक है, रुक मैं अभी बगल वाली शर्मा आंटी से बैंडेज लेकर आती हूँ। वो नहीं देंगी माँ जी, आज मैं उनके घर गई थी चीनी मांगने, उन्होंने बोला कि परसों वो आपसे डिटॉल मांगने आई थी, उनकी बेटी के हाथ में चोट लगी थी पर आपने नहीं दिया। अरे डिटॉल है ही नहीं घर में, मैंने उसको बोला तो था। माँ जी एक हफ्ते पहले ही मैं शर्मा आंटी के साथ मार्केट से आ रही थी, तब मैंने उनके सामने डिटॉल खरीदा था, आप ही ने तो अपनी अलमारी में रखा हुआ है, अब शर्मा आंटी हमें कभी कुछ नहीं देंगी। कैसी कंजूस औरत है, चल छोड़ मैं अपनी अलमारी से ही बैंडेज निकाल के लाती हूँ। हे भगवान, जब इनके पास बैंडेज है तो शर्मा आंटी से मांगने क्यों जा रही थी। अरे शीतल दीदी आ गया मैं, कहाँ हो आप। अरे आर्यन आ गया तू, कितने दिनों बाद मेरे घर आया है, और बता घर पे सब कैसे हैं? अरे क्या बताऊं दीदी, कुछ दिन पहले बड़े भैया के बेटे ने मुंह में 10 रुपए का सिक्का निकल लिया था, उसके गले में फंस गया था सिक्का, उसकी माँ कितना रो रही थी। रोएगी नहीं तो क्या करेगी बेचारी। हाँ आंटी जी वही तो, मेरे तो 5 रुपए भी खो जाते तो इतना रोना आता है, यहाँ तो 10 रुपए का सिक्के का सवाल था। अरे दीदी जरा और चावल देना। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। और बेटा सब ठीक है ना। हाँ आंटी जी हम लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? बेटा तुम तो अपने हो, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में पैसों की बहुत कमी है बेटा, मेरा बेटा भरपेट खाना इसलिए नहीं खा पाता कि थोड़ा खाना अगले दिन के लिए बचा लूं। मैं तो बेटा दिन में बस एक ही बार खाती हूँ, तुम्हारी बहन को कितना बोलती हूँ थोड़ी बचत करो, वो समझती ही नहीं है। तुम अपने हो तो तुम्हें बता रही हूँ ये सब, लेकिन तुम भरपेट खाना बेटा, तुम शर्माना मत, ये तुम्हारा ही घर है। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। ये ले आर्यन चावल। अरे नहीं दीदी पता नहीं क्यों अब भूख नहीं लग रही मुझे, थोड़ी जल्दी भी है, अब चलता हूँ मैं, ये चावल तू वापस रख दे। अरे क्या हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं, और मैं तेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में गिफ्ट नहीं ला पाया, तेरे लिए आंटी जी के लिए जीजा जी के लिए, तू खरीद लेना ठीक है। अरे ये पैसे नहीं चाहिए मुझे। प्लीज दीदी मना मत कर। अरे बेटा जा रहे हो, रुको जरा जाते हुए तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। ये लो तुम ये थोड़े पैसे ले लो, मेरा आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं आंटी नहीं। वाह माँ जी आप और पैसे, कितने पैसे दोगी आप। ये लो बेटा 5 रुपए, रास्ते में जाते हुए बिस्कुट खरीद के खा लेना। अरे बेटा नीचे क्यों गिर गए, उठो और जाओ जल्दी, तुम्हें लेट हो रहा है, और फिर से जरूर आना कभी खाने पे। क्या माँ जी आपने मेरे भाई के सामने भी अपनी कंजूसियत नहीं छोड़ी। अरे ये सब छोड़, और आज तूने कहा था मेरे चश्मे का फ्रेम लगवा के आएगी, जा जल्दी लगवा के आ। दिखाना जरा चश्मा। ओहो इसका तो फ्रेम टूट गया है। कोई बात नहीं माँ जी एक ही तरफ का तो टूटा है, रुको मैं इसमें अभी धागा बांध देती हूँ, फिर आप इसको पहन सकती हो आराम से। अरे ये क्या बोल रही है तू, ऐसे तो ये बहुत अजीब लगेगा, एक साइड फ्रेम और एक साइड रस्सी। लाइए माँ जी दूसरे साइड का भी फ्रेम तोड़ के रस्सी बांध देती हूँ। नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, तू रहने दे। अच्छा तू एक काम कर, तू बाजार से जरा साबुन ले आ मेरे लिए नहाने का, और हाँ दुकान वाले को बोलियो कि ऐसा साबुन दे जो कम घिसे और उससे चेहरे पर लगाने पर लाली आए। वो देखिए माँ जी वो ईंट रखी है ना सामने, वो रगड़ लीजिए गाल पर, लाली भी आएगी और घिसेगा भी नहीं, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। वैसे इसका आइडिया बुरा नहीं है, ईंट लगा के देखूंगी एक बार, पहले भूख लगी है थोड़ी मिठाई खा लेती हूँ। अरे ये काकरोच कहाँ से आ गया, क्या करूँ अब, बहू को बताऊंगी तो वो फेंक देगी अब मिठाई, साइड वाली मिठाई खा लेती हूँ, वहाँ काकरोच नहीं गया होगा। हे राम ये उल्टी जैसा मन क्यों हो रहा है मेरा, बहू ओ बहू। अरे माँ जी क्या हुआ। मेरी तबीयत कुछ खराब है। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे आपको डायरिया हो गया है, क्या आप किसी गंदगी वाली चीज के पास गई थी या आपने कुछ ऐसा खाया था।
हाँ वो आज एक मिठाई के डिब्बे में कॉकरोच था। मैंने कॉकरोच हटा के एक साइड की मिठाई खा ली थी, वरना मेरी बहुत सारी मिठाई फेंक देती। हे भगवान, आपकी इस कंजूसी की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अब आपके इलाज में पैसे खर्च होंगे, लेने के देने हो गए तो सब आपकी गलती है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मैं अपनी आदत सुधार लूंगी। चलिए ये दवाई मैंने लिख दी है, 300 रुपए की दवाइयाँ हैं, जाके खरीद लीजिए जल्दी से। बहू वैसे अब मुझे उल्टी जैसा मन नहीं कर रहा, एक दो दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा कि कुछ होता है कि नहीं, फिर दवाई खरीद लेंगे, वरना 300 रुपए फालतू में खर्च हो जाएंगे। हे भगवान, इस जैसी कंजूस औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे शीतल जी, कौन है ये? डॉक्टर, ये मेरी कंजूस सास है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।